जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने लगाए आरोप, रीवा में चारों तरफ हो रहे हैं घोटाले, निशाने पर रहा समदड़िया बिल्डर्स, तो वहीं बिना वर्क ऑर्डर के भूमि पूजन करने के भी लगाए आरोप। जिला पंचायत रीवा के अध्यक्ष अभय मिश्रा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार से जुड़े लोग सरकारी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, चमचमाते सपने दिखाने के साथ सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी, समान बस स्टैंड की जमीन समदड़िया बिल्डर्स को दे दी गई थी। इस भूमि की कीमत का मूल्यांकन 8 करोड़ किया गया था, जबकि इसका बाजार मूल्य 200 करोड़ से भी ज़्यादा था। समदड़िया बिल्डर्स को 8 करोड़ रुपए FDR के रूप में जमा करवाना था, जिसमें पहली किस्त 3 करोड़ की थी। उसे समदड़िया को उपकृत करने के लिए नगर निगम ने वापस कर दिया। इसमें लगभग 1000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हो गई है। श्री मिश्रा ने खुला आरोप लगाया कि एक महीने में 15 से अधिक कार्यों का भूमि पूजन हुआ, जबकि उनका वर्क ऑर्डर ही नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानना है कि इसमें 100 करोड़ का गोलमोल है। आइए सुनते हैं और क्या कहा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने। फिजूल खर्ची, भूमि पूजन और ये, अब आ जाइए एक नया खुलासा आपके सामने करते हैं। ये खुलासा नंबर एक, जो महत्वपूर्ण खुलासा है, समान बस स्टैंड रीवा, जमीन का मूल्यांकन किया 8 करोड़, जमीन है 200 करोड़, 8 करोड़ के बदले में इन्होंने क्या किया कि 3 करोड़ की FDR टेंडर की कंडीशन थी, 3 करोड़ की FDR टेंडर के साथ जमा करना था और बस था, उसका पीरियड था 3 साल। 3 साल में जब समान बस स्टैंड पूरा हो जाएगा, टेंडर की पूरी कंडीशनें फाइनल हो जाएंगी और समदड़िया को NOC दे दी जाएगी, तब वो 3 करोड़ की FDR समदड़िया को वापस किया जाना था। उसमें पहली किस्त के रूप में 1.5 करोड़ रुपए जमा कराया जाना था। जो 1.5 करोड़ रुपए जमा कराए गए, शेष 6.5 करोड़ रुपए आज दिनांक तक जमा नहीं कराए गए और 3 करोड़ की FDR जो 3 साल बाद रिलीज होनी थी, तो नगर निगम में उसकी कलर्ड फोटोकॉपी कराकर फाइल में इन्होंने 3 करोड़ की वो FDR की लगा दी और वो 3 करोड़ की FDR समदड़िया के हाथों दे दी, और जिसको समदड़िया ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 6 माह के अंदर कैश करा ली। ये कितनी बड़ी फोर्जरी, ये ऐसी फोर्जरी है कि आज सत्ता बदल जाए तो एक हाथ में अधिकारी और एक हाथ में समदड़िया, एक हथकड़ी में दोनों साथ में जाए। के नाम पर, जाति के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटना गलत है। हम आपस में समाज को लड़ाकर वोटों की राजनीति करना चाह रहे हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी बिजनेस साइकिल नहीं दे रहे हैं कि गरीब बेचारा ऊपर उठ जाए, केवल उसे जुमला और उसको दिग्भ्रमित करना है। मेरा बड़ा क्लियर कट है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और जब भी मेरी बात होगी, जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं यही बात पे कहूँगा।